नमस्कार प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में हम सीखेंगे हिंदी कक्षाओं का पाठ नंबर 23। पाठ का नाम है जब मैंने पहली पुस्तक खरीदी और लेखक का नाम है धर्मवीर भारती। तो यह एक संस्मरण है, संस्मरण यानी याद करना। तो धर्मवीर भारती जब छोटे थे उसके जीवन से यह प्रसंग लिया गया था कि बचपन में उन्हें पुस्तकें पढ़ने का बहुत शौक था और जब स्कूल में जब इनाम के तौर पर उसको दो पुस्तकें मिली गई तो उसने अपने पिताजी से अपनी अलमारी में जगह देकर लेखक धर्मवीर भारती जी ने अपनी लाइब्रेरी बना ली। लेखक को है वो पुस्तकें इकट्ठी करने का धुन सवार हो गया था। पिक्चर देखने के लिए जब उसकी माता ने उसे पैसे दिए तो उसने देवदास नाम की पुस्तक खरीदी और लेखक ने अपने पैसों से खरीदी हुई वह पहली किताब थी जिसका नाम था देवदास। और इस पाठ में लेखक ने जीवन में पुस्तकों का महत्व कितना होता है इस पर प्रकाश डाला है। बचपन की बात है, उस समय आर्य समाज का सुधारवादी आंदोलन पूरे जोर पर था। मेरे पिता आर्य समाज रानी मंडी के प्रधान थे और माँ ने स्त्री शिक्षा के लिए आदर्श कन्या पाठशाला की स्थापना की थी। पिता की अच्छी खासी सरकारी नौकरी थी, बर्मा रोड पर बन रही थी, तब बहुत कमाया था उन्होंने। लेकिन मैंने मेरे जन्म के पहले ही गांधी जी के आह्वान पर उन्होंने सरकारी नौकरी छोड़ दी थी। हम लोग बड़े आर्थिक कष्टों से गुजर रहे थे। तो धर्मवीर भारती जी जब छोटे थे तो उसको पिताजी की सरकारी नौकरी थी, पर गांधी जी के विचारों से प्रभावित होकर उन्होंने अपनी सरकारी जॉब है वो त्याग दी थी और जब नौकरी चली गई तो उसका गुजारा बहुत कष्टों में होने लगा। फिर भी घर में नियमित पत्र पत्रिकाएं आती थी, आर्य मित्र, साप्ताहिक, वेदोदय, सरस्वती, गृहिणी और दो बाल पत्रिकाएं खास मेरे लिए, बालसखा और चमचम। उनमें होती थी परियों, राजकुमारों, दानवों और सुंदर राजकन्याओं की कहानियां और रेखाचित्र, रेखाचित्र यानी पिक्चर स्टोरी। मुझे पढ़ने की चाह लग गई, हर समय पढ़ता रहता। खाना खाते समय थाली के पास पत्रिकाएं रखकर पढ़ता। अपनी दोनों पत्रिकाओं के अलावा भी सरस्वती और आर्य मित्र पढ़ने की कोशिश करता। घर में पुस्तकें भी थी, उपनिषदें और उनके हिंदी अनुवाद, सत्यार्थ प्रकाश। सत्यार्थ प्रकाश के खंडन मंडन वाली अध्याय पूरी तरह समझने में नहीं आता था पर पढ़ने में मजा आता था। मेरी प्रिय पुस्तक थी स्वामी दयानंद सरस्वती की जीवनी, रोचक शैली में लिखी हुई, अनेक चित्रों से सुसज्जित। वे तत्कालीन पाखंडों के विरुद्ध अदम्य साहस दिखाने वाले अद्भुत व्यक्ति थे। कितनी ही रोमांचक घटनाएं थी उनके जीवन की जो मुझे बहुत प्रभावित करती थी। चूहे को भगवान का मीठा खाते देखकर मान लेना कि प्रतिमाएं भगवान नहीं होती, घर छोड़कर भाग जाना, तमाम तीर्थों, जंगलों, गुफाओं, हिम शिखरों पर साधुओं के बीच घूमना और हर जगह इसकी तलाश करना कि भगवान क्या है, सत्य क्या है। जो भी समाज विरोधी, मनुष्य विरोधी मूल्य है, रूढ़िया है, उनका खंडन करना और अंत में अपने हथियारों को क्षमा कर उसे सहारा देना, यह सब मेरे बाल मन को बहुत रोमांचित करता। तो धर्मवीर भारती जी ने जो भी पढ़ा उसके बारे में उन्होंने यहाँ संक्षिप्त में लिखा है जो दयानंद सरस्वती की जीवनी में से उसे मालूम हुआ। माँ स्कूली पढ़ाई पर जोर देती, चिंतित रहती कि लड़का कक्षा की किताबें नहीं पढ़ता, पास कैसे होगा, कहीं खुद साधु बनकर फिर से भाग गया तो। पिता कहते जीवन में यही पढ़ाई काम आएगी, पढ़ने दो। मैं स्कूल नहीं भेजा गया था, शुरू की पढ़ाई के लिए घर पर मास्टर रखे गए थे। पिता नहीं चाहते थे कि ना समझ उम्र में मैं गलत संगति में पढ़कर गाली गलौज सीखूं।
बुरे संस्कार ग्रहण करूं। अतः स्कूल में मेरा नाम लिखाया गया जब मैं कक्षा 2 तक ही पढ़ाई घर पर पूरी कर चुका था। तीसरी दर्जे में भर्ती हुआ। उस दिन शाम को पिता उंगली पकड़कर मुझे घुमाने ले गए लोकनाथ की एक दुकान से। ताजा अनार का शरबत मिट्टी के कुल्हड़ में पिलाया और सर पर हाथ रखकर बोले, वायदा करो कि पाठ्यक्रम की किताबें भी अपने इतने ही ध्यान से पढ़ोगे, माँ की चिंता मिटाओगे। उनका आशीर्वाद था या मेरी जीतोड़ परिश्रम, तीसरे चौथे में मेरे अच्छे नंबर आए और पांचवे दर्जे में तो मैं फर्स्ट आया। पांचवे दर्जे यानी पांचवी क्लास में माँ ने आंसू भर कर गले लगा लिया। पिता मुस्कुरा रहे थे और बोले नहीं। अंग्रेजी में मेरे नंबर सबसे ज्यादा थे, अतः स्कूल से इनामों में 2 अंग्रेजी किताबें मिली थी। एक में 2 छोटे बच्चे घोंसलों की खोज में बागों और कुंजों में भटकते हैं और इन बहाने पक्षियों की जातियां, उनकी बोलियां, उनकी आदतों की जानकारी हमें उन्हें मिलती है। दूसरी किताब थी ट्रस्टी द रग, जिनमें पानी की कथाएं थी, कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन सा माल लाद कर लाते हैं और कहाँ से ले जाते हैं, नाविकों की जिंदगी कैसी होती है, कैसे कैसे जीव मिलते हैं, कहाँ वहल होती है, कहाँ शार्क होती है। इन 2 किताबों ने एक नई दुनिया का द्वार मेरे लिए खोल दिया। पक्षियों से मेरा आकाश और रहस्यों से भरा समुद्र। पिता ने अलमारी के एक खाने में अपनी चीजें हटाकर जगह बनाई और मेरी दोनों किताब उस खाने में रखा कर कहा, आज से यह खाना तुम्हारी अपनी किताबों का, यह तुम्हारी लाइब्रेरी है। यहां से आरंभ हुई उस बच्चे की लाइब्रेरी। आप पूछ सकते हैं कि किताबें पढ़ने का शौक तो ठीक, किताबें इकट्ठी करने की सनक यानी शौक जुनून क्यों सवार हुई। उसका कारण भी बचपन का एक अनुभव है। इलाहाबाद भारत के प्रख्यात शिक्षा केंद्रों में से एक रहा है। ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा स्थापित पब्लिक लाइब्रेरी से लेकर महामना मदन मोहन मालविया द्वारा स्थापित भारती भवन तक अपने मोहल्ले में एक लाइब्रेरी थी, हरिभवन। स्कूल से छुट्टी मिली कि मैं उसमें जाकर अध्ययन करता। तो यहाँ पर धर्मवीर भारती जी ने यह बताया है कि स्कूल की पढ़ाई के अलावा हमें और भी किताबें पढ़ना जरूरी है, उसका महत्व समझाया गया है।